उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप पाकिस्तान के टैलेंटेड एक्टर दानिश तैमूर के सुपरहिट ड्रामों के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में एक ऊंचा मकाम हासिल किया। अगर आप दानिश तैमूर के फ़ैन हैं तो इनके ये सारे ड्रामे ज़रूर देखिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8 पर ड्रामा सीरियल राह जनून है। राह जनून पाकिस्तान का एक ऐसा ड्रामा है जिसका नाज़रीन को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस ड्रामे में दानिश तैमूर एक बार फिर रूड हीरो के किरदार में नज़र आएंगे। ड्रामे की कहानी मोहब्बत पर मबनी है, जहां एक ऐसा शख्स दिखाया गया जो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करता है। ड्रामा सैयद अहमद कामरान ने डायरेक्ट किया जबकि रिहाना आफ्ताब ने लिखा। इस ड्रामे को मोमिना दोरेद प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया। ड्रामे में कोमल मीर और दानिश तैमूर की शानदार केमिस्ट्री भी दिखाई जाएगी। अगर आप इस ड्रामे को मिस नहीं करना चाहते तो ये हम टीवी का ड्रामा ज़रूर देखिएगा। मज़ीद ड्रामास के बारे में जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नंबर 7 पर ड्रामा सीरियल मेहरपोश है। मेहरपोश पाकिस्तान का एक सुपरहिट रोमानवी ड्रामा है जो जियो टीवी पर नशर किया गया। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया। इसमें आयजा खान और दानिश तैमूर एक साथ काम करते हुए नज़र आए। नाज़रीन ने इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा भी ये दोनों अदाकार काफ़ी ड्रामों में नज़र आए। ड्रामा एक मोहब्बत की कहानी पर मबनी था। इसके दीगर कास्ट में अली अब्बास, सानिया सईद, रेहान शेख और दीगर बेहतरीन अदाकार शामिल थे। सस्पेंस रोमांस से भरपूर ये ड्रामा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 6 पर ड्रामा सीरियल हारा दिल है। हारा दिल पाकिस्तान का एक रोमांटिक सुपरहिट ड्रामा था जो राबिया रजाक ने लिखा, फुरकान आदम ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी लीड रोल में नज़र आए। ड्रामा A+ के ज़रिए नशर किया गया जिसमें मोमिना और अरहम की दिलचस्प कहानी दिखाई गई। दानिश तैमूर ने इस ड्रामे में अरहम का किरदार अदा किया। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। 26/7 का ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। नंबर 5 पर ड्रामा सीरियल दीवानगी है। दीवानगी जियो टीवी का एक बेहतरीन ड्रामा था जो अपने नाम की तरह जेद जनून और मोहब्बत पर मबनी है। यह ड्रामा पाकिस्तानी मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है जिसे सादिया अख्तर ने लिखा जबकि जिशान अहमद ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी लीड रोल में नज़र आए। ड्रामे में हिबा बुखारी ने गरीब लड़की का किरदार अदा किया। ड्रामा बुनियादी तौर पर सिकंदर और नगीन की मोहब्बत की कहानी को पेश करता है जिसमें सिकंदर अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद पार करता है। ये ड्रामा 41/7 पर मबनी है। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के प्रोड्यूस करदा इस ड्रामे में आप जेद जनून फिल देखेंगे। नंबर 4 पर ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस है। मेरा रब वारिस पाकिस्तान का एक सुपरहिट ड्रामा था जो जियो टीवी पर नशर किया गया, जहां जेब कमर के लिखे हुए इस ड्रामे की कहानी एक मासूम लड़की आयशा के गिर्द घूमती है जो अपने दीन को समझती है और इसके अहकामात पर अमल करती है। इसकी ज़िंदगी तब्दील तब होती है जब वो हारिस नामी लड़के से टकराती है। हारिस आयशा से मोहब्बत करने लगता है। आयशा और हारिस की यह दिलचस्प मोहब्बत की कहानी आप ज़रूर देखेगा। असद जबल ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया। इसकी टोटल 37/7 थी। इस ड्रामे में मदिया इमाम और दानिश तैमूर लीड रोल में नजर आए। 3 पर ड्रामा सीरियल इश्क है। इश्क है एक रोमांटिक पाकिस्तानी हिट ड्रामा है जो ARY डिजिटल के ज़रिए नशर किया गया। रेहाना आफ्ताब के लिखे हुए इस ड्रामे में शाहजेब की इसरा के लिए जुनूनी मोहब्बत दिखाई गई जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शाहजेब की माँ इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहती है जिसकी वजह से शाहजेब ज़बरदस्ती इसरा से शादी कर लेता है। आबिश रज़ा के डायरेक्ट करदा इस ड्रामे में मीनाल खान और दानिश तैमूर लीड रोल में नज़र आए। इस ड्रामे की टोटल 36/7 थी। ये ड्रामा थ्रिल सस्पेंस रोमांस से भरपूर था। नंबर 2 पर ड्रामा सीरियल चांद तारा है। चांद तारा एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है जो खसूसी तौर पर रमज़ान में नशर किया गया। इस ड्रामे में आयजा खान और दानिश तैमूर लीड रोल में हैं। ड्रामा साइमा अक्रम चौधरी ने लिखा जबकि दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया।
इस ड्रामे में आप चांद और तारा की कहानी देखेंगे, जिसमें चांद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने मुश्तरका खानदान से तंग आ चुका है और पुरसकून जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है, जबकि तारा एक डॉक्टर है जो खानदान के मजबूत बंधन का एहसास रखती है। ये ड्रामा मजाकिया सीन से भरपूर है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। पर मेरा फेवरेट ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी है। कैसी तेरी खुदगर्जी पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा था जो दूसरे ममालिक में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। दानिश तैमूर का तकरीबन हर ड्रामा ही नाज़रीन की तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इन ड्रामों में से सबसे ज़्यादा ये ड्रामा वायरल गया, जिसमें शमशेर और महक की नफरत से शुरू होने वाली बेमिसाल मोहब्बत की कहानी दिखाई गई। इसके कास्ट में नुमान एजाज, दानिश तैमूर, दुरे फिशा सलीम, हमाद शुएब और दीगर बेहतरीन अदाकार नजर आए। रोमांस और इमोशन से भरपूर ये ड्रामा अगर आप मिस कर चुके हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ड्रामे में जुनूनी मोहब्बत के साथ साथ हल्का फुल्का थ्रिल भी दिखाया गया।